चले यार। अरे खाना बताना यार बड़ी जल्दी यार तुम लोगों, क्या मतलब मसला क्या है? कपड़ा भी धुलना है, तो बात करो ना यार। यहाँ पे तुम लोग खाना बना रहे हैं यार, तुम लोग बेवकूफी कर रहे हो, गलत बात है। शुक्रन भाई शुक्रन। अरे घंटा शुक्रन यार, ये कोई तरीका है यार? ये ना हमारा छोटा भाई भी आएगा ना, उसके लिए भी कुछ तो भाई वो आ जाएगा ना यहाँ पे, उसको बोल देंगे यहाँ पे उतर जाएगा। और क्या नहीं आएगा, वो आएगा बोलेगा पहले रूम जाऊंगा फिर सो के आऊंगा। मुश्किल नहीं है, काया नहीं आएगा, मैं उसको कॉल करके बोलूंगा इंशाल्लाह शाम तक। देखो उसको लेके आते, ये कोई तरीका नहीं है भाई, गलत तरीका है। ना भाई तुम हमारी मोहब्बत में ना हो, ठीक है? अब हम बोल रहे हैं कि रुकने के लिए तुम नाटक कर रहे हो यार। नहीं एक तरीका गलत है ना फिर। यार बताओ ये लोग आए, हम सोच रहे हैं कि बताओ, बोले हैं कि कुछ इधर क्या कहाँ चल। अरे बैठो यार, नाटक तुम लोग कर रहे हो कसम से यार भाई। तो शाम को आओगे इंशाल्लाह? नहीं हकीकत बताओ मतलब, फिर उस हिसाब से हम लोग बनाएंगे। ये नहीं कह रहा कि नहीं आएंगे इंशाल्लाह, अगर इमरान को बोलेंगे चलेगा तो फिर सारे तीनों लोग आ जाएंगे साथ में। इंफॉर्म कर देना भाई, हम इंतजार करेंगे भाई। इमरान जैसे आएगा मैं उसको पूछूंगा इमरान को। कभी हमारे रूम पे आ सकते हो? नहीं नहीं, देखो बात ये है ना, अबे चूतिया हम लोग आए नहीं है क्या? कब आए रूम पे भाई? हम लोग कितनी बार गए हैं इसके रूम पे? आए भाई, आए भाई, भाई उसको झूठ बोलना तो मैं देखा। क्या फिर यार, एक ही झूठ बोल रहा है? बताओ हो सकता है इससे मुलाकात ना हो। एक बार हम लोग, तुम लोगों ने इनवाइट किया था तब आए थे, और एक बार हम लोग आए थे जब हम लोग वाई फाई लेने गए थे। वो क्या कर रहा है? जिंदगी रहेंगे आएंगे, ये तरीका गलत है। ये मर जाएगा, मैं इसको छोड़ देगा, मैं आ जाएगा। नहीं यार तुम लोग आए ना कसम से, फिर इसी काम में लोग बनाएंगे। अच्छा बताओ क्या बनाए तुम लोग के लिए? बताओ हम लोग बनाए थे आलू दाल गोश्त, कोई फरमाइश नहीं मेरी, कुछ भी दाल चावल चटनी सब चलेगा। फुल देसी आदमी है। हां फुल देसी, हमको कोई इतना खाना ये चाहिए जो मर्जी हो। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। वो किधर नहीं जा रहा है? कहाँ ले गया? बंद कर दे वीडियो, बंद करने के लिए चालू किया मैंने। मर दिया नहीं आई था तो क्या बोलते ढूंढ रहा मैं। कौन है? मर दिया। अरे भाई साहब आ गए गगा, मतलब हरम शरीफ गए थे। इधर रूम में किधर गई अपनी मर्दी? किधर गई? किधर गई? अब मर्दी मिली मेरे। और सुनाओ अभी गिरेगा इसीलिए जाओगे? भाई जब तुम सोए थे ना, पता है मेरे से क्या कह रहा था आरिफ? क्या सुन रहे बताओ? 6000 का आईफोन दो, 14 लेना है क्या भाई? बस 2-4 महीने में इंशाल्लाह। चलो इंशाल्लाह और बेस्ट ऑफ लक तुमको तुम्हारे फ्यूचर आईफोन के लिए। नहीं ले, मैं तो सुना तुम रेनो 8 ले रहे हो, ओप्पो वाला आईफोन ले। भाई बड़े लोगों की बड़ी पसंद है, हम लोग छोटे लोग हैं। मन बन गई बा? हाँ नहीं ले लो ठीक है, हम मेरे लिए भी ठीक रहेगा, वीडियो वीडियो बना लूंगा उसकी भाई। भाई एकदम बिल्कुल बनाइए वीडियो, आ रहा था बस। हाँ अभी कह रहे हैं उसके बाद छुए छुए ना देंगे तो भैया। आज देख क्या है ना, कौन सा है? 14 देखे हो? 14 देखे हैं, 13 देखे हैं। सबसे अच्छा 13 लो, 13 है 4099 मतलब 5, वही एकदम सेम क्वालिटी है, बस डिफरेंट थोड़ा सा है और कुछ नहीं है। वही लो भैया, वो सस्ता पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर तुमको मंगाया तुम दुबई से मंगाओ ना, वो सस्ता पड़ेगा, कम से कम तुमको कुछ नहीं तो 25-30 हज़ार सस्ता पड़ेगा दुबई में। इतना सस्ता है दुबई में। मुझे तो आईफोन अगर लेना रहेगा तो मैं वहीं से लूँगा, ना इंडिया से लूँगा भाई ना
क्या बोलते हैं इधर से लूँगा। इंडिया में तो टैक्स लग जाता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, कम से कम कुछ नहीं तो 40 से 45 हज़ार कितना ऐसा बेवकूफ़ है, 35 से 40 हज़ार टैक्स लग जाता है इंडिया में।